सात संग जी मन बिरती एकाग्र कर लई, रसना पवित्र कर लई, सब काज के आखो तन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी। मन बिरती एकाग्र कर लई, रसना पवित्र कर लई, सब काज के आखो तन श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी। जिन्ने पहलुआं तो सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने सानू जाणू करवाया जां सानू जिन्ना पहलुआं दे राह पाया असीं उन्हां चों कुछ भी नहीं कर सके, उधर तुरन की कोशिश करते हैं। बंकोक दे विच सच्चे पातशाह दे उपदेश रिकॉर्ड होया, तुसीं सुनिया कि हुण अगला काम जिहड़ा है वह नौजवान पीढ़ी के सिर ते आउणा है, ते उन्हां नूं चाहीदा है वह जिथे अपने घर का परिवार का रिश्तेदारां का भार संभालदे ने, दुनियादारी का साध संगत का भी उन्हां नहीं संभालना है। असी छोटे छोटे हुंदे पुराने साधुओं तों सुणदे सां कि साथों पहलों बड़ा टिकाओ सी बिरतियां दा, ते हुण सानू कोई स्वाद नहीं आउंदा इस दुनिया च रहण दा, भजन बाणी बड़ा घट गया। पर हुण जदों असी वेखदे हां अपने आप नूं, ते फिर उस वेले वह वेला याद आउंदा ते जापदा भी वह वेला बहुत चंगा सी हुण दे वेले नालों। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਰੇਲਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ, ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਸਾਡੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਪੰਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਸਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇੰਤੇ ਆਪ ਛੁਡਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਲਦੀ ਫੈਲਦੀ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਚਲੋ ਜੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਦਮ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਦੁਐਸ਼ ਵਕੀਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦਇਆ। ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਮੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
किसी भी धर्म के जिथे दया नहीं तो जो जीव मारना किसी नूं गाल करनी किसी के खिलाफ कोई गल करनी उस दया वाली गल तो फिर नहीं रहिंदी। इस वेले बड़ा दया वाली गल जिहड़ी साडे विच किन्नी कि इह अपने अपने अंदर असीं झाती मार के वेख लईए किसी नूं आखण दी लोड़ नहीं भी जे कोई आदमी गलती करदा मैं किन्नी कु बर्दाश्त करदा मेरे अंदर किन्नी सहनशीलता है। सतगुरु कृपा करे सानू इस दे चलण दा बल बख्शे ते असीं सतगुरां दे जिहड़े हुक्म ने सतगुरु राम सिंह ने हुक्म दित्ता कि खिमा दा काम जिहड़ा बहुत वड्डा है खिमा धीर जवालियां दे गुरु अंग संग है। एक पासे सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दे उपदेश आपां सुणने आ एक पासे साडी ताकत है जे असीं खिमा ना करिए किसे ते जे खिमा कर दईए ते फिर जिहड़ी ताकत है वह सतगुरु की हो जाती है जिहदे वास्ते ये लिखिया कि जाम गुरु होए वल तनह क्या गारब दिजै जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या खिजै। सो नौजवानों नूं चाहीदा वो अपने विच साहस पैदा करन धीरज ते सहनशीलता ये सारी चीज साडे विच होनी चाहीदी है बड़ी जरूरी जिस तो बिना असीं गिरावट वाले पासे जा रहे हैं। साडे हर इलाके विच मैं अगे भी आख्या सी दलीप सिंह अजीत सिंह वर्गे जां इदूं वी वधिया मुंडे तैयार होने चाहीदे ने जिस वेले भी असीं आखिए कि लभी तुसीं हुण गड्डी दे स्टेयरिंग ते बैठ के गड्डी चलाओ वो उस वेले साडे विद्यक जथे दी वागडोर फड़ के ते तोरना शुरू कर देण। डाल्टनगंज वालिया ने कुछ समा बहुत सानू सहयोग दिता बड़े बच्चे आते सन भैणी साहब इस तरह ही मंडी वाले तो हूँ भी साडा खेडा नहीं छड़दे जे असी कोई ना नौकरी करिए भी वह सानू मजबूर करते हैं भाई वो अपना काम ले ही तुरे जाते सानू खिंच के गांह लै जाते हैं। इस तरह ही सारे इलाकों में बच्चे होन जिहड़ा छे सत साल तो बच्चा जिहड़ा काम सीखन लग पाएगा वो उन्हें वड्डा होके बहुत चंगी तरह अपना सकता। मैंने बड़ी खुशी है कि दूर दूर बैठे बच्चे मंडी विच आमरोए चो बच्चा आया राग दे वल ध्यान किया जिहदे वास्ते हुक्म सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दा तुसीं सुनिया हर एक सिख के बच्चे चो कुछ ना कुछ राग की खुशबू जरूर आनी चाहिए है। बाणी सारी सतगुरां ने रागों में लिखी है वो सानू समझ कुछ ना कुछ जरूर होनी चाहिए है। जिथे होर इन्ना उद्यम किया उत्थे वर्णियों का पाठों का भी विद्यक जथे वाले बहुत कुछ कर रहे हैं वो घर घर प्रचार करके एक एक पाठ महीने का परिवार प्रति ते एक एक घंटा हर जी प्रति तो उन्हूं यह दृढ़ कराया जाए भी जदों तेरे घर कोई बाल जन्मे वो परिवार वो अपने बच्चे का एक घंटा पूरा शुरू कर देन करना जिस वेले वो बच्चा बालग हो जाए उन्हूं कह देन भी तेरा अजे तां हुण तक असां कर दिते ने घंटे पूरे हुण तू अपने आप कर और जिन्ना सोध मर्यादा वाले पासे जिन्ना भी कुछ असीं कर सकीए तां ही साडा बचा है। तो मैं अज का समागम जिहड़ा है ये समाप्त करदा ते अगले आने वाले समागम वास्ते ये आखांगा कि तकड़े होकर तैयारी करो इहदे नाल होर वधिया होवे साडे बच्चे कमानी हाल ते होर थावां जाके चंगीआं चंगीआं स्टेजां दे उत्ते अपने इनाम प्राप्त करन पर एक गल नूं बहुत चेते नाल याद रखण कि असां सिर्फ स्टेजां वास्ते ही नहीं ये सारा कुछ करना अपनी संस्था वास्ते करना साडे दीवाना विच वधिया तो वधिया संगीतकार कलाकार हर एक तरह के होने चाहिए ने ताकि अपने पैरों पर असीं ठीक तरह खलो सकीए सतगुरां दे हुक्मां ते चल के अपनी जीवन यात्रा नूं सफल कर सकीए अर्ज करके आग्या लवां। मन बिरती एकाग्र करन लई रसना पवित्र करन लई सब गज के आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी। जिहड़ा यह साडा इकट्ठ मेले का ये सिर्फ यह दो दिन नहीं इदों पहला जिहड़ा शुरू किया सी प्रयोग का काम इन्हां दिनां विच साडे मेले इस तरह हो गए ने जिवें
छपार का मेला जां सरंद का मेला उहदे नाल वी शायद कुछ हेठां नूं जांदे होण। जिन्ने शरीर इत्थे होंदे ने तो बहुते बाहर बाजारां विच फिरदे ने रंग बिरंगे कपड़े पा के, ये क्यों पाउंदे ने? मेरा पक्का विश्वास ये है कि ये उहनां दे माता पिता का कसूर है, बच्चियां का नहीं। मैं एक परिवार नूं ऐसी एक विआह सी इत्थे ते उहदे संबंध विच इकट्ठे होए सां ते मैं कहा सी मैं तुहाडे ते बहुत माण रखदा सां पर तुसां बहुत अपने बच्चियां नूं गलत पासे तोरिया, भई तुहाडे जिन्ना चिर बच्चे पहरावे दाड़ियां ठीक नहीं करते मैं तुहाडे घर नहीं आउणा। ये हो सकता है कि उन्होंने फिर भी इस गल की लोड़ ना हो मैनू घर लियाउण दी, पर मैं जिहड़ी गल अपने आखी है वह मैं ठीक आखी है। ये जिहड़ा मेला किया ये फेल करन वास्ते किया, आसुरी संपदा के जिहड़े गुण ने उन्होंने सत संतोख दया धर्म साढ़े अंदर आवे इस वास्ते मेला किया गया। जो साडा निशाना वह तो यह है कितों तक असं निशाने तक पहुँच सकते हैं, वह सगुरां की रजा है, अपने वास्तों बाहर की गल। कईयां नूं यह है कि ऐ मेला इस वास्ते होया कि विआह होने ने, किसी नूं यह है भी मेला इस वास्ते होया फलाना मेरा मित्र आना उन्हूं मैं मिलना, फलाने जहेदार का दवान सुनना। पर असल गल जिहड़ी है वह इहो ही है जिहड़ी तुहानूं मैं दसी है, आसरी संपदा के गुण जिहड़े ने वह फेल हो जाण ते जिहड़े सत संतोख दया धर्म साडे अंदर आउण तां ही साडा बचाव हो सकदा। मैनूं बड़ी संग आई इस गल की भी ऐ जीवनगर दे इलाके का मेला जिन्हां सगुरां ने इस इलाके नूं वसाया है, ते इत्थे श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दीआं फोटो आईआं ने। मैनूं कल पता लगा कि सिर्फ 150 फोटो लगीआं ने, ते इह तुसीं वेख लो भई जिन्नी कीमत उहनां ने रखी है ना, वह एको ही आदमी 150 तस्वीरां लै सकदा बड़े आराम नाल, इत्थे कोई औखी गल नहीं। पर इह किड्डी कर्महीणता दी गल है, मैनू इस गल की बड़ी संग आउंदी है कि मेरिया तस्वीर जिहड़ियां ने वह ज़्यादा लगियां ने, ते जे तुसीं मेरी गल मानदे हो मेरी गल रखनी है ते मेरिया तस्वीर जिहड़ियां ने वह ना लगन ते सगुरू प्रताप सिंह सारे घरां-घरां दे विच तस्वीर लगन फिर मेरी गल रहिंदी है। जे तुसीं मेरी तस्वीर लाउंदे हो ते इहदा मतलब यह है कि तुसीं मेरी गल मननी चाहुंदे हो, मैनू तुसीं बड़ा चंगा समझदे हो। चंगा ते मैं है नहीं इन्ना, पर तुसीं जिहड़ा समझदे हो मैं उहदे मुताबक करदा। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਓ, ਆਪ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾ ਕੇ ਭਜਨ ਪਛਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੋਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਹੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1934 ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਮਾ ਵੱਲ ਦੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਪੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਉੱਧਰਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਂਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਿਓ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਣਗੇ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿੱਡਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਜਹੇਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੰਡਾਲੇ ਦੇ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਹੇਦਾਰ ਸਨ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਹੁੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਖੁਰਕ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਰਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹ ਛੱਡੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ ਉਹ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਿਣ ਲਈਏ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਈਏ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ।
पर वो जिन्हां दे पैसे वकीलों को लगने ने आपो च लड़ाइया झगड़िया से लगने ने मां शराब से लगने ने वो पैसे बचते ने इस पासे लग जाते। पर जिन्हां ने जिहड़ा लिखिया ना कुकेंदिया चागेंदिया मत्ती देंदिया नित जो शैतान मंजाया से कित फेरा है चित। महाराज ने कई बार तुहानू आख्या इसे दवाना में भी तुसीं संभले छड के धोतियां बन के दवाना च आउंदे हो ते इशनान नहीं करके आउंदे सने के असीं इशनान नहीं करके आउंदे करे है किसे ने मन ते गल लगी। पर जे ये आख्या जाए ना महाराज जी कितें ऐलान कर देना भी अज रामलीला उत्थे होनी है राणी है तो वेखो कि मन ते लगती गल उत्थे रामलीला का मतलब नहीं उत्थे तुहाडे अपने बुरे मन के विचारां दा मतलब हुंदा है तां उत्थे जाया जांदा। जे उत्थे रामलीला होनी होवे तो आख्या भी उत्थे दस दिन उत्थे नाम सिमरन होना है रात दिन लगातार तो वेखो रामलीला जी कहड़ा जांदा भला जिहड़ा करन वाला काम है वो साढ़े कोल नहीं हो रहा जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस्यो मन रचना कहो गुसाई मिली है केह जो विवर्जित तिस्यो नेह झूठ बात साची कर जाती सच होवन मन लगा ना राती। तो सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दे तुसीं चलो सोध रखनी तो बड़ी दूर की गल है भजन बाणी करना बड़ी दूर की गल है किन्नी वेर सुनिया सतगुरां ने कल दे उपदेश च आया सी भी ईरखा छड्डो आह किन्नियां गल छड्डी आ अपने अंदर झाती मारी है मैं भी तो सारे आपां तुसीं भी सो ये कोई जिहड़ी गल छड्ड सकन वाली है जिहड़ी सोध रखनी स्नान करना तड़के उठना वो तो बड़ा औखा पर आ ही छड्ड दिओ तुसीं हुण विआह होने ने तुहाडे। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दे उपदेश सुनिया थाईलैंड दे विच भई वो किन्ने तरीके ने उहनां दे गलत रस्मां दे पहलो मुंडा मलण जांदे ने फिर ठाका हुंदा मैनूं पूरा नहीं याद की है सच्चे पातशाह दे उपदेश रिकॉर्ड होया सतगुरां ने उस नूं मना कीता ते जे असीं सियाम वालिआं नाल असीं वी वध जाइए ते फिर थोड़ा जिहा तुहाडे सोचण दी गल है। सो साध संगत वाले काम जिहड़े ने उह कीतिआं फिर एक ये है भई जिहनूं दुनिया ते दीन दोवें नहीं मनदे ठीक असां फिर तीसरा राह किहड़ा लभणा जाण वास्ते अजकल तुहानूं पता किन्ना अखबारां च आउंदा है किन्नियां सभा सोसाइटियां बणियां ने हज़ारां दी तादाद विच आनंद वो करदे ने इकट्ठे बा के म्यूनसिपल कमेटियां वाले करा दिंदे ने कोरिया विच होए ने होर कईआं थावां जापान च होए ने ते साडे ये सिक्ख्या तो वो तो करी जान ते असीं इधरों दी दाज उधरों दी दाज ते फिर दस देना कि आ फलाने ने इन्ना दिता है तू मैनूं क्यों नहीं दिता इन्ना इहो जिहे सिलसिले जिहड़े ने ये साडे विच बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि बीनाश है बीनाश नहीं हैगा बड़े बड़े तगड़े पहलवान ने जे किसी ने दाज दे दिता रे गड्डे का गड्ढा भरिया वापस मोड़ दिता उन्होंने मुंडिया ने कि असीं नहीं लैना है कर रख तू अपने। एक दुआबे की गल सुनी सी एक मुंडा कोई गैर नामधारी कोई सी और विआह हो गया विआह होने तो बाद जिस वेले एक बार वो कुड़ी नूं घर लै आया तो जो कुड़ी वापस चली ना पेकी तो कुड़ी बड़ी रोई मुंडे का बड़ा प्यार सी कुड़ी नाल उन्हें आखिया तू रोंदी कि गलों आंदी मैं रोंदी जिस गलों मैं दस भी नहीं सकती तो औखी भी बड़ी हाँ मैं रोंदी मैं इस गलों मैं पता नहीं मुड़ के मैं तेरे को इतने आना कि नहीं आना उन्हें आख्या कारण की है उन्हें आख्या तेरे प्यो ने मेरे प्यो को 30,000 रुपया लिया भाई वो उन्हें पता नहीं किस तरह ठगी ठोरी करके जो भी कुछ वो पैसे है नहीं सन उन्हें कितों मंग मंगा के पैसे दते ने भावें उन्हें किसी विखावा किया तो भावें नहीं किया पर पैसे उन्हें दते ने तो वो जो पैसे वो आ गए तेरे को आ गए ने इतों वो को पैसा है नहीं जो मैं मुड़ के तुरना है तेरे को आना फिर इतने इन्हें आखना भी हूँ इन्ने दे वो को है नहीं इस वास्ते उन्हें आखना भी चंगा फिर मैं कुड़ी नहीं लिया इस गल वास्ते मैं रोंदी हाँ। सतगुरां ने कृपा उसे मन से की आता तू बिल्कुल ना रो तू चुप करके तो पेकी चली जा उन्हूं छड़न गया तो उत रह पिया पेकी वो अपने सहरे रह पिया आया ही ना उन्हूं चिट्ठी कल परसों सुनेहा देने वो खीर उन्हें आख्या भी तू आ क्यों नहीं वो अपने प्यो नूं आंदा मैं आउंदा इस वास्ते नहीं जिहड़ा 30,000 तू लिया ना वो जो पूरा हो जाएगा मैं फिर आवांगा। साध संगत जी उन्हें उस वेले मेरा ख्याल पैसे भी वापस किए तो माफ़ी मंगी तो वापस घर लाया जे तो इस तरह के होना तो फिर तो वापस हो जाते हैं तो जे इस तरह आखन लग पैण
देखो जी मैं तो कुछ नहीं लिया, वो अपनी कुड़ी नू दे गया। मैं बिल्कुल नहीं जी कुछ लिया, अपने बिल्कुल हाथ खड़े ने, बिल्कुल साफ साफ खलो गया ना, मैं कुछ नहीं लिया कुड़ी ने, जो कुड़ी वाले नू देता। ये तरीके बड़े गलत ने साढ़े। सो तुसी तकड़े होकर उद्यम करो। जेडे पाठा वास्ते नितने वास्ते घड़ी मुड़ी आखीदा, इस इलाके तेरे बड़ी कृपा है। यहाँ हूँ पाठ जोड़े ने वह ज्यों ज्यों कृपा होती जानी छड़ी जाते हैं, ये तो जानो इस इलाके वाले। पर मैं वैसे ये दसदा कि जहेदार रशपाल सिंह है, एक इसे राणीए ब्याह है, वह फतेहपुर पिंड है, वह समाणे के नेड़े। उन्हें एक निजम बनाया भी जो दवान चाहता ना 100 रुपया मत्था टेकता, इतू घट नहीं टेकता। आ संत सिंहरी बाजे वाले भी करीब करीब इस तरह ही करते होंगे ने। तो हूँ वो आए कि मेले च नहीं आ सकिया, तो उन्हें 100 रुपया भेजा कि मैं मेले च नहीं आ सकिया, तो मेरा 100 रुपया मत्था टेकया प्रवान हो जाए। नाल उन्हें गल आखी है भाई, ये हुक्म होंगे कि साल 100 पाठ करो, कि आख्या होना। वो कहता मैं साल 120 पाठ भी करांगा नाल। तो अजक जे 50 रुपए का रेट जरा पाठिया का ला लीए, पाठिया रेट तो बड़े उच्चे ने अजक, जो ला लीए तो 6000 रुपया हो जाता 120 पाठा का। तो ये वेख लो भी ये 6000 रुपया उन्हें साल का देना है पाठ करके। तो ती होर बहुत सारे वो विहारी आदमी, ये नहीं भी वो कोई इस तरह वो अपना विहार भी करता है, ग्रंथी का काम भी करता है, घर जमीन भांडा भी है, सारा कुछ रिश्तेदार वो भी है, टेड उन्होंने भी लगा। लेकिन असी सारे काम करने वाले क्यों नहीं करते पाठ, साड़ी रुचि इस पास हटती जाती है, साढ़े को वक्त भी होंगे, सारा कुछ साढ़े को होंगे, सिर्फ असी साड़ा ध्यान नहीं है। तो जेडे शरीर धागे तबीत करके देंगे ने, वो कृपा करा कर, तो वो इस पास जरा परहेज कर, होर भी जो आखे लगन उन्होंने इस पास हटा। साढ़े भजन बाणी की ताकत सगुर की एडी सी, सगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह उपदेश सुनया कि एक सती की जगह सी, जो सगुरु राम सिंह ने सिखा से कृपा की आख्या, बड़िया बड़िया उन्होंने ढाणी शुरू कर दतियाँ, वो सती की जगह से ढाण लगे तो विचों सेक निकले। तो कि उच्चा सगुर ने बनाया कि सामतारी सिख के पेशाब वर्गे भी नहीं है गए। वो सिखा ने आख्या सेक निकलता, किसी ने आख्या उन्हें आख्या भी ठंडा कर लो इनू, बी उत्थे उन्होंने शरला छड़ दिता ठंडा करने वास्ते, सब सेक सूक हट गया निकलों। तो तुम धागे तबीत कर करके पैसे वटन वास्ते जिन्होंने छकना ना इतने, जे रोटी खानी है तो इतने महाराज को आ जाओ, उत्थे भैणी साहब आ जाओ, कोई भी जिन्ह ने आना तो प्रशादा मिली जाएगा छकन। पर यह काम नहीं करना चाहिए। तो धागे तबीत करके देने जा होर कुछ नहीं, जे ये आख लेना जिस तरह विआह वाले भी करते हैं। मैं तो शब्द का पाठ उन्होंने बन के दिता सी, ये सारे काम जिहड़े करने आपां नूं शोभा नहीं दिंदे। ते मैं जिहड़ी तुहानूं गल आखी है, सगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दी तस्वीर है, ते ये वध तों वध इत्थे लगनी चाहीदियां ने। इस इलाके नूं आबाद कीता, इत्थे कहावत बनी है कां ते आए मरदे ने सन इत्थे। अजकल किन्ना सरसब्ज इलाका सगुरां ने कृपा करती ते बना दिता, तुसीं हुण फल खांदे हो, फुल सुंघदे हो, दुध पीते हो, घिओ खांदे हो, पक्कियां सड़कां ते तुरदे हो, कारां तुहाडे कोल ने। ये सगुरां ने कृपा की है, इलाका वसाया बख्शिश की है, उन्हां दी तस्वीरां तुहाडे हर घर दे विच होणी चाहीदियां ने। मैं कहिंदा इस इलाके दे जिहड़े लोग ने, जिहड़े खुले भी ने गैर नामधारी भी, जे आपां चंगे होवांगे तो उहनां नूं उहनां दे घरां 'च वी तस्वीरां लवांगे भी इह घर सगुर। मैं जदों पहले पहले इत्थे आया ना, उदों सुणिया कि 7-7 साल दा इत्थे अनाज जमा कर लैंदे जदों पाणी आ जाए जां बारिश हो जाए। जिहड़े पुराने बुढ़े सन उह दसदे सन बजुर्ग, ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਗੁਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪਹਿਨਾ ਖਾਏ ਤਿਸ ਸੇ ਉਹ ਆਲਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਮਾਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ रसना द्वारा जानकारी प्राप्त की जाए तो होर बड़ा स्वाद आ जाता, भाव गाइया रखी जान तो उन्होंने दुध पीता जाए, मक्खन तो घ्यो खाधा जाए, तो इदू बड़ा स्वाद आता। तुसी
सच्चे पातशाह का उपदेश करे सुनते हो तो उन्होंने नामधारियों भी गल आखी है कि तुसी हिंदुस्तान की सभ्यता का एक बी मात्र रह गए हो अज है ते ए तुसी दसो भी जे बी ना हो एक गलत शायद लम्मी हो जाए मैं पूरी तरह याद नहीं गुरु नानक सच्चे पातशाह एक जगह गए तो उत्थे सारे लोग मास खाते सन मैं सिर्फ बी की गल कर रहा मास खाते सन तो सगुरों को आख्या भी जी मास तो बिना इतने कोई होर चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती उन्होंने गुरु नानक नूं भेटा मास ही करना सी उन्हें आख्या जे तुसी ना खाओगे साढ़े कोलों साडा मालक सानू मारेगा भी इतने आए तिथि जिहड़े ने भुखे गए ने तो उन्होंने आख्या फिर लियाओ कोई चीज़ गुरु नानक ने आख्या लियाओ मारो दुंबा मारिया उत्थे मेरा ख्याल लिखिया तो वो मारिया जिस वेले उन्होंने तो उन्होंने को अग तो अन्न ये दोवें चीज़ां उत्थे लिखिया भी नहीं सन साढ़े नौजवान बच्चे तो बच्चियों चाहिए वो सूरज प्रकाश नानक प्रकाश पढ़िया कर उन्होंने बड़ा ही प्राप्त हो बड़ा कुछ मसाला पिया उन्होंने अजक असं अखबार पढ़ पढ़ के लोगों ने अजक दलों सुन सुन के गुरु गोबिंद सिंह का हुक्म मास खाना सारे गुरु अंगद दे हरन मार के रहने बड़िया गलां बनाते हैं लेकिन इधर नहीं ध्यान करते फिर गुरु नानक साहब ने उन्होंने आख्या मारो वो मार दिता वो मारिया जिस वेले तो सच्चे पातशाह ने कृपा करती उन्होंने जिंदा कर दिता हम असी सुनते सुनते रहे सोचा भी सगुरों आख्या मारो अगू खाने वाली गल आएगी जो खाने वाले तो यही सोचेंगे लेकिन सच्चे पातशाह ने हुक्म दिता भी यू उन्होंने जिंदा कर दिता नाल आख्या भी तुम ये मास ना खाया करो अन्न खाया करो उन्होंने अन्न तो है ही नहीं इतने उन्हें आख्या कणक बीजो उन्हें कणक होंगी ही नहीं इतने उन्हें आख्या लियाओ कणक कितों लभ के तो बीजो कणक लभदे सी कणक नहीं लभी कितों फिर बड़ी मुश्किल नाल एक शाहूकार दे कोलों पाइया कणक मिली है सेर पक्की सारे शहर चों कणक दा बी लभा फिर सगुरां दे हुक्म नाल वो बीजिया तो उत्थे कणक होई उन्हां नूं मास खाण तों हटाया भाव मेरा कहण तो यह है कि वह एक सेर बी कणक दा हैगा सी ते लभ गया ते जे ना होंदा ते फिर की हालत हुंदी उन्हां दी सो मेरा सिर्फ कहण तो मतलब यह है कि असीं सानू सगुरां ने कृपा करके बख्शिश की है कि असी एक हिंदुस्तान की सभ्यता का बी मात्र रह गए तो बी जिहड़ा वह जिन्ना शुद्ध होवे उन्नी अगों पनीरी वो वधिया हुंदी आ तो उहदे विच सिर्फ यह ही नहीं भी असी खद्दर के कपड़े पा लैने सवेरे उठ के आ सारी बार ला लैनी है या ये सारा कुछ उहदे विच साडा सारा वातावरण आले दुआले का जिहड़ा वह हिंदुस्तान की सभ्यता के अनुसार होना चाहिए जिहड़ियां सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह श्री गऊशाला दी गावां साहिवाल की नसल की गां ने पौने 75 किलो दुध एक दिन का किया पौने 75 पाउंड मतलब कोई 36-37 सेर के करीब दुध हो जाता तो उन्हें मक्खन सारे सूए का 881 पाउंड 4 औंस कढ़िया 300 दिन का 339 हो जाता जे थोड़े जे पॉइंट होर वधन फिर वो पूरा करीब 3 पाउंड रोज की औसत बह जाती है 1.25 सेर पक्के दी करीब जां 1.5 सेर दी मक्खन दी इहो जिहे गाइयां साडे कोल होण तां सानूं मझां दी जां होर किसे पासे दूसरियां देशां वल झाकण दी कोई लोड़ नहीं। इक वार मैं मंडी विच एक इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजैक्ट चलदा उत्थे गया तो उहनां दी तीसरे सूए दी वैड़ी जिहड़ी सी ना उहने 28 किलो दुध कीता जिहड़ियां बाहरों बड़े पैसे खर्च के आईआं ने ਵਲੈਤੀ ਗਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਸੂਏ 28 ਕਿਲੋ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲਕ ਈਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਵੱਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਹੀ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗਊਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਅਤੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਮੇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
साहीवाल हरियाणा दियां गऊआं नूं लब के जिथों भी उन्होंने प्राप्त होण अगां अगली नुमाइश विच लियाउण उन्हां नूं वध तों वध उत्साहित किया जाएगा बजाय होर किसी नसल दे। हुण आ के वारी नाल जिहड़े शरीर इनाम लैण वाले ने उह इत्थे लाइन विच आ जाण, उन्हां नूं तुसीं आवाज़ दे दिओ, फिर आई जाणगे ते इनाम ले जाणगे। परम सत्कारयोग साध संगत डॉक्टर अवतार सिंह जी, बाकी डॉक्टर साहिबान, जिला प्रशासन, प्रेस वाले तो होर आए सज्जनों, सब तो पहलो मेरा जी करता है असी उन्होंने सतगुरों को याद करिए जिन्हों की कृपा ना इलाका वसया। एक उन्हें सब गज के आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह। और यहोजा कम है भी जिस तरह हूँ असी मरीजों को बड़ी प्रेरणा दे के बड़ी मुश्किल नाल इत्थे लियाउंदे आ ना, पाकिस्तान कढ़ने वास्ते सतगुरों ने बहुत कृपा की, डंडे नाल भी कढ़ के लिया, कई सुफन दर्शन दे के आख्या भी छेती निकलिया, वो सारे मौजूद ने इत्थे। फिर ये इलाका यहोजा चुनिया जिहदी कीमत पैसों में बहुत घट सी, जिहड़े उत्थों छड के आए वो जमीन बड़ियां कीमत वाली सन, एक एक मुरबे के सत सत मुरबे हो गए उन्होंने। फिर जिहड़े पहले दिन लंघे ने मैनू पता, मैं ट्रैक्टर से 1600 मण दाणा महीने का ढोंदा रहा आप। इतने ट्रैक्टर हैगा सी कारमिक डेयरिंग WD9 लाहौरों नवा लिया, उन्होंने दिनों से वो 15,000 का सी। वो दिन यहोजे सन भी कोई सड़क नहीं सी, तो बड़ा कट्टे तो मिट्टी वाला राह सी, साइकलों पर भी मैं कई बार घोड़ियाँ से जाता रहा सरसे तक। सगुरां ने कृपा की, ये वो इलाका सी जिहदे विच पानी नहीं सी लभदा। जीवनगर साढ़े बिल्कुल परले पासे चढ़ते पासे थोड़ी जी दूर एक बोर किया एग्रीकल्चर महकमे वालों, जिहड़ा 550 फुट तक गया तो पानी नहीं लभा उहदे विच। वो फिर बड़ी मुश्किल का उन्होंने पुटिया सी कढ़िया बाहर, पर सगुरां ने ऐसी कृपा की भी इत्थे पानी जिहड़ा वो फिल्टर पाउण दी भी लोड़ नहीं, थले कैविटी बन जानी 60-70 फुट से जिन्हें भी दूर से, तो दवा दारू पानी ला। इन्हां गल्लां दा पता उन्हां नूं है जिन्हां ने वह वेला वेख्या जदों पानी नहीं सी, सड़कां नहीं सन, बिजली नहीं सी, कोई साधन नहीं सन, तो साधन इक्को सी जिहड़ा घट्टे दा हुंदा सी गर्दे दा, अंदर बैठे ट्रंकां दे विच कपड़े जिहड़े ने उन्हां दे ट्रंकां दे बूहां अगे रिज बन जांदी सी घट्टे दी जदों ट्रंक खोलदे सन। इस तरह की हालत सी, उन्हां सगुरां ने कृपा की ते इह आख्या पानी इत्थे बथेरा, तुसीं घबराओ ना। कई 1949-50 दे विच इक फैमिन जिहा हो गया ते इत्थों बहुत सारे शरीर चले गए नाभे पटियाले लुधियाने डंगर लै के। सगुरां ने कृपा की, तुसीं घबराओ ना, सब कुछ मिलेगा। सगुरां ने कृपा की, पानी मिलिया, सारा कुछ होया, मीह भी पै गया। फिर आ नाली का बन जिहड़ा ये किसी संस्था ने नहीं बनवाया, सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने, मैं नाल जांदा रहा बहुत वेर पंजाब सरकार नूं आह आह के, उन्हें आखना पिछले पासे 2 पिंड ने 3 पिंड ने उजड़ जाएंगे, सगुरां आखिया अगले पासे किन्ने पिंड उजड़ते हैं, तो तुसीं इहनूं बंद बना के इहदा हैड बनाओ इत्थे ते अगों पानी चज नाल दिओ सारयां नूं। सगुरां ने हुंदिया नहीं बणिया, लेकिन बाद विच उह सारा काम होया। तो इत्थे मैनूं इह चेता वी सरदार हरदयाल सिंह SDM हुंदे सन, ते बदरू राम तहसीलदार सी उन्हां दिनां 'च, उह आप वी आ के इत्थे, मैं आप जांदा रहा सड़कां बनाउण वास्ते, तो जिनी कि मिट्टी सड़क पर पानी हनेरी ने उड़ा के लै जानी, इस तरह की हालत सी। तो सगुरां कृपा की, सगुरां ने आख्या सी भी मेरा दिल उदन खुश होएगा जिन तुहाडे घर बिजलियां दे पक्के लगन गए तो तुसीं सुख लाओगे। भावें उन्हां सगुरां नूं असां समझिया नहीं, तो उन्हां दी मुखालफत की, कोई भी काम चंगा होए तो मुखालफत जरूर हो जाती है, पर सगुरां ने यह आख्या कि मेरा निंदिया नाल कुछ घटता नहीं, तो उस्त नाल मेरा कुछ बढ़ता नहीं। मैनूं खुशी है कि मेरी कौम जिहड़ी है ना पाकिस्तानों इन्ना धन लैके जमीन लैके इत्थे आ गई है, तो इत्थे आ के बस गए। सगुरां ने पट्ठा लवाया जिहदे च इट्टां पक्कियां करवाईयां इत्थे थेड़ दे उत्ते, उदों पट्ठा लकड़ां नाल चलदा सी, लकड़ां नाल पट्ठा चला के कईआं नूं मुफ्त इट्टां दित्तियां, कईआं नूं वधी कीमत ते दित्तियां, किसे तरां करके इत्थे खूह लवाए। उस तो बाद जिहड़े पहलों लगे ने मैनूं चेता चंगी तरह तो नहीं, पर 11 कु ट्यूबवैल बड़ी मुश्किल नाल पहलों लगे सन, ते पानी सगुरां ने कृपा करके दित्ता। इस वास्ते उन्हां सगुरां नूं जरूर याद रखना चाहिए। मैनूं बड़ी खुशी हुई है कि भगत सिंह दे नां नाल इत्थे क्लब की गलबात चलती है, पर भगत सिंह ने सतगुरु राम सिंह नूं कैसे याद किया, ये क्लब वाले नूं भुलना नहीं चाहिए।
ਵਰਿਆਮ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਗਏ 1992 ਦਾ ਬਸੰਤ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾ 121 'ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਲੈਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਕਦਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਕਤਲ ਜਿਸਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਧਰੇ ਤੋਂ ਸੁਧਰਿਆ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਲਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਵਦ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਘ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦਾ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛਡਾਏ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਛਡਾਈ ਦੇਣ ਪਰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਬੋਝ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਲੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਰਧ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਸਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਆਚਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਪਾਨ ਗਿਆ ਟੋਕੀਓ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 13 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸਨ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਝੂਠ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਉਹ ਦਸਖਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਥਾਈਂ
इश्तिहार लगे ने कि इन्हों जीव जंतुओं नू बचाओ। जे वो जीव जंतु आखन भी बंदे नू मार के असा खाना है तो फिर बंदा की सोचेगा। वो साडे विच रहण वाले ने असी इस गल नू मनदे आ कि बाद विच बदला लैना देना पैंदा है, सानू तो सप्प मारन दा हुकम नहीं। इस वास्ते ये सारिया गल्लां नू ध्यान च रख के पूरी तरह सेवा करो। जिस तरह इतने पता नहीं किसी ने आख्या से भी नामधारी जिहड़े नू अजे भी सेवा सफाई करते ने अपने घर की, हुण बहुत ही रह गए इन्हां बाद विच एक दो शरीर हैगे जिहड़े झाड़ू दिंदे ने तड़के उठ के। तो ये सेवा बहुत जरूरी है। जिहड़ा उन्होंने बाणी विच लिखिया कि जिन्नी सतगुर प्यारा सेवा तिन्ना सुख सद होई, गर्मियां सियाल विच को जाए सारा सुख। ये तां होवेगा जे असी अपने तरीके नाल नाम जपांगे, भरिया मत पापा कै संग ओह तोपै नावै कै रंग। एक मील पत्थर लिखिया कि यह सरसे नूं सड़क जाती है, इन्नी दूर सरसा है। वह बंदा मील दे दुआले बह जाए कि यह सरसा सरसा तो होना नहीं, वह सड़के पैगा तां सरसे पहुँचेगा। तो भरिया मत पापा कै संग ओह तोपै नावै कै रंग, ये अनुसार नाम जपो सगुरु कृपा करन। मैनू बहुत खुशी हुई है कि डॉक्टर अवतार सिंह उन्हां ने बड़ा ध्यान दिता इस जिले वाले। एक जिहड़े पहले कोई आए ने उन्हां दा कसूर नहीं, टाइम आउंदा जिहदे जिम्मे कोई काम लगा हुंदा अकाल पुरख वालों वो हो जाता। तो बहुत वधिया गल है, ये खुद भी डॉक्टर ने अखां दे। मैं एक गल सारिआं नूं आखांगा अपने नामधारी सिंघां नूं जोर नाल, दूजिआं नूं भी अदब नाल बेनती करांगा कि जिहड़े फार्म इन्हां ने नेत्रदान वाले आखे ने वह वध तों वध लवो। जदों तुसां शरीर छड्ड देणा तुहाडे किस काम नहीं आउणी अख। ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਆਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰੋ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਕਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਸਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੋਂ ਮੁਕਾਓ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜਾਓ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੇਲਾ, ਉਹ ਘੜੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਗਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਧ ਨੋ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੁਧ ਕਿਆ ਦੇਵਾ ਹੈ, ਮੰਗਾ ਹੈ ਲੇਵਾ ਹੈ ਰਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਗਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਗਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਭਜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਭਗੌਤੀ ਦੀ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਾਸਾ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ਅਵਗਣ ਵਿਕਣਾ ਗੁਣ ਰਵਾ ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਸਗਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਅਵਗਣ ਸਾਡੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਸਹਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਦਾਤੀਆਂ, ਭਈ ਮੇਰਾ ਝੋਨਾ ਤੂੰ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ।
एक तो झोना खराब होया अगे ते होर अगे लई उह दातियां रब नूं चलाउंदा। इसे तरह ही कोई माड़ी जी गल हो जाए इत्थे कई वार हुंदा। तुसीं इह दसो भई जे इत्थे दाड़ियां मुन्नण तों बिना लैण देण तों बिना जे कोई विआह हो जांदे ने ते कोई पाप तां नहीं हुंदा, पर जे कोई दाड़ी मुन्नी वाला कितें आ जाए तो उहनूं एक नूं आखीए ना भई तूं ना इस तरह कर जा तेनूं डर लगेगा इस गल दा, तो वह फिर वाहवा ही औखा हो जाता है। तो वेद चलो वह औखा हो हट भी सकता वो जिन्हें वो रिश्तेदार होंगे ना फिर वो ये समझने साड़ी बड़ी बेइज्जती है। तो साध संगत की ये कोई बेइज्जती नहीं जो इस दाड़ी मुन्नी वाला आके विआह करावे। ये तुसा ही इस चीज़ को सामभ के रखना है, तुसा ही इनू तैयार रखना है, तुसा ही यदि सेवा करनी है इस मर्यादा की। तुसी इस गल तो ना पछा पवया करो कदे भी। कई बार इस तरह बहुत ही बार वेख्या गया मैं खिमाई मंगागा कि इन्हों नाराजगी ना हो भाई बच्चे जड़े ने वह तो गल मन जाते हैं माता पिता जड़े ने उन्होंने वो जहाँ तो बच्चों नेड़े नहीं लगन देंगे। तो मेरे को गल् भी कई आईया ने चोरी आके ना बच्चे आते हैं भी साढ़े माँ प्यो लैन देना करना चाहते हैं तो साडा ना ना लो सू तंग करे घर तो उन्होंने हटाओ वो आ गल इस वे इन्होंने फलाने दिन आ गल करनी है। हम फिर इतों दसो भी ये बच्चे का कसूर है कि माँ प्यो का कसूर है ये तुम आप ही दस दौ। बच्चे तो कच्चा दुध है, कच्चे दुध का पनीर बना लो खोआ बना लो कोई चीज़ बना लो दही जमा दो काढ़ के बच्चे तो इस तरह का उन्होंने उत्ते जिस तरह घर के गल करते हो साध संगत की निंदा घर में होंगी है इतने आ गए भजन बाणी वाले पास भी बह जाते उत्ते साध संगत भी पूरी तरह बैठते हो घर आके जी गल करते हो बच्चे से बहुत बुरा असर हों। तुसी हंडे वरते हो तुसी फिर भौं के आ सकते हो भी चंगा जी असी गलती की आ पर बच्चा समझता भी मैं जिसे चला गया ठीक है उत्थे जिस मैं अगे भी गल की थी ना जे आर्ट्स लै लेंगे ना वो समझते सारे को साइंस नहीं पढ़ी जानी हूँ वो साइंस में औखा समझते हैं फिर आते सू आर्ट्स ही मंजूर है ये रहन तो सत्संग ही पढ़िया जाता। उचाई बड़ी औखी है। कबीर ने इस वास्ते आख्या जे मार्ग पंडित गए पाछे परा बहीर एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। जेड़े आदमी चढ़ाई चढ़ जाता जे कि वह चार पौड़ियाँ उतर जाए जो चढ़निया पैन फिर बड़ा औखा होंगे। बच्चों हमेशा यह सिक्ख्या दया करो साध संगत वाले पास की आदमी तो गलतियां हमेशा होंदियां ने वड्डियां तो होंदियां ने छोटियां तो होंदियां ने पर जे तो असी इनू सारा नू अपना टब्बर समझिए फिर तो असी बाहर गलती नहीं दसांगे अपने परिवार च बह के आखांगे आ गल ना करी बाहर पता लग गया तो इस तरह हो जाएगा। मैं हुण जिन्हां दे विआह होए मैं इन्हां नू भी ये गल आखांगा कुदरती गल सामने आ गई है भई तुहाडे विआह होए ने ये जीवन है अज बड़ा सुख जापदा कल नू वो दुख दा कोई ना कोई गल ऐसी घटना हो जाती है आर्मी के मन से माड़ा असर होंगे। बच्चों के बच्चे बच्चिया जिन्हें ने तुम थानू चाहिए थोड़े कोई गल हो आपस बह के उस गल आराम नजिठ लो घरद तक भी कोई पता ना लगे। पर जे कोई गल ऐसी आ ही जाती है बहुत ज़्यादा भी साढ़े दुआ तो नहीं निबड़ती तो इतने साढ़े को मेरे को आ जाओ आपस बह के गल नबेड़ लो उदू बाद माता पिता ने गल करो। मैं इस वास्ते आना मेरा यह नहीं मतलब भी माता पिता ही गुस्सा कर देना भी सानू लांभे कढ़ दिता वो इस तरह होंगे। मैनू हुण साल तो नहीं याद आना पाकिस्तान बनने तो बाद की गल मैं चक्रवर्ती जी के घर गया उत्थे पटियाले उत्थे एक बीबी मैनू मिली नौजवान लड़की उन्हें मैनू आख्या भी मेरे माता पिता ने यह वेख्या भी उन्होंने पैसे बड़े ने घर दे ते टब्बर बड़ा तगड़ा है बंदियां वाले ने यह वेख के मेरा उत्थे विआह कर दिता। नामधारी माता पिता ने खुल्या वाल कुड़ी विआह दी ते उन्होंने नामधारी बना के फिर आंदे की ने देखो जी असं एक टब्बर वधाने टब्बर वधदा नहीं फिर अपना घटदा कई बार एक आदमी ऐसा कंध नूं उत्ते हथ पाए ने उत्ते चढ़न दिया एक आदमी ने थले लत्तां फड़ियां ने उस नूं खिच के चढ़ लेगा उत्ते बड़ा बलवान होए चाढ़ भी लवे मैं नहीं आता नहीं चढ़ लवे पर बहुते आदमी वह लत्तां खिचियां थले ही डिग पैंदे ने फिर थले वाले नाल। जे किसी नूं आखो भी तड़के उठ के 2 बजे भजन कर उन्हों 50 बार आखो तो असर नहीं होना तो एक बार आख दे बड़ी रात है जो तू 4 बजे 6 बजे उठ पी की फर्क पैदा इन्ने उठते हैं तो तेन की फर्क पै जाए वो चट असर होएगा उससे। वो नामधारी लड़की गैर नामधारियों वाले इस तरह व्याही गई चंगा घर वेख के जमीन भांडा वेख के वो मेरे को आई
ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਸ ਬਣਾ, ਆਂਦੀ ਮੈਥੋਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਚੋਰੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਵਿਆਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਠੀਕ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਲਗ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਜਨ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਲੜੇ 'ਚ ਪੁੱਜ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਆਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਤਨਹਿ ਕਿਆ ਗਰਭ ਦਿਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕੱਜੈ। ਉਹ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤਰਾਸ ਤਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਦਿਨ ਲੰਘਾਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮਧਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੋ, ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਭਜਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਕੇ ਸਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਉਂ ਨਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਭਜਨ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਸਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਨੇ ਅਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਾ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਗਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਬਿਤਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੇ, ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਲ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਪਾਠ ਦੀ ਰੌਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਉਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਚੱਲਣ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ
सानू आप नुकसान है और साडा जीवन खराब होंदा और अगे जाके भी साडे वास्ते कष्ट है। इस गल वास्ते मैनू एक गल याद आ गई, इतने सुरजीत सिंह आया बड़ा भारा जिहा शरीर इतने वेख्या सी, कल पता नहीं चला गया कि इत्थे ही है। उन्हें मैनू एक गल दसी, मैं अगे भी दसी होनी है पर मैं तुहानू फिर एक बार दस दिया। उन्हें दसिया कि वह मां शराब खाण पीण लग पिया, नामधारी सी ये। जिहड़े साल अमृतसर दूसरा हौला होया मेरा ख्याल उस साल की गल होनी है, तो उन्हें आख्या भी मैनू फिर मां शराब खाण पीण लग पिया, कछ भी मैं ला छड़ी कछा जहा पाँदा सा, तो शराब पीण दे नाल उन्हूं कोई फेफड़े गल गए, बीमारी हो गई, पटियाले हस्पताल दाखिल हो गया। वह वड्डा डाक्टर जिहड़ा बड़ा वह दोस्त सी, अखीर ये डाक्टर ने फैसला किया भई ये हुण कल नूं सवेरे चढ़ाई कर जाणा, रात रात कढ़ लए किन्ना चिर कढ़ लए कोई पता नहीं। ते उहदे कोल उहदी वड्डी लड़की जिहड़ी इत्थे हरभजन सिंह वाल व्याही है उह कुड़ी उहदे कोल सी, ते कहिंदा रात नूं मैनूं सारे छड्ड के चले गए, रात नूं 10-11 बजे करीब आंदा मेरे शरीर चों जीव आत्मा मेरा निकल गया, ते मैं अगे मैनूं जमदूतां ने फड़िया, ते उन्होंने अग ही सुटिया। मैनूं पता नहीं किस किस तरह उन्होंने गल दसी, अग ही सुटिया ते सगुरां ने मैनूं बचाया। जदों बचाया सगुरां ने ते फिर मैनूं आख्या सगुरू प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने, ये दस भई तू मां शराब खांदा पीना हुण छड्डना कि नहीं छड्डना। वो लिखिया ना, तीन बार पतिया भर लीना मन कठोर अज हुना पतीना। इन्ना मन कठोर होया तां ना मैं चुप कर रहा, उत्थे भी फिर नहीं मैं अगों आख्या भी मैं छड्ड देंगा। जिस वे ये थोड़ा जहा समा लंघिया सच्चे पातशाह चले गए ने, वो भाईबंद फिर आ गए जमदूत, उन्होंने फट के मैनू एक रेल दे इंजन थले सुट दिता। फिर आदा मैं याद किया कि सच्चे पातशाह मेरे से कृपा कर। फिर जिस वे याद किया तो फिर वो इंजन लंघ गया, उत्तों नहीं मेरा कुछ नहीं विगड़िया। फिर मैं थलों निकलिया, फिर सच्चे पातशाह दर्शन होए ने, तो मैं आख्या सच्चे पातशाह मैं सारा कुछ छड़िया, मैं अज तो नहीं खाँगा खावगा नहीं पीवगा। फिर सच्चे पातशाह आख्या तू इन्ना चर सह सकता बेला नहीं किया। फिर उत्थे अमृतसर होले चो गया, उन्हें आख्या जी मैनू वक्त नहीं मिलना। उन्हें आख्या तू जाके उहदे कोल आ, उहदे कोल मेले वास्ते। उत्थे गया वो, उत्थे मसानगढ़ जिहड़ी कोठी है मैं पौड़ियां उतरिया, उहदा ते अगों सुरजीत सिंह मिलिया। मैं आख्या भरा हट जाओ मैनू टाइम नहीं, मेला बहुत सी भार भीड़ सी सारा संगत, ते फिर तुर गया। फिर आंदा भई रात नूं फिर सुपना आया, फिर सगुरां ने दस्सिया दर्शन दित्ता सुपने, ते उन्होंने आख्या भई तू जाके आ। आखे मैं आख्या ही मैंने वक्त नहीं मिलया। उन्हें आख्या तू फलाने अपार सिंह हरकी नाल लै गया, तू आप जाके गल कर। फिर वो आप गया, ये तो सगुरां ने रचना जाई सी, मेरी वह कोई कहानी नहीं सी। तो वह गया कुदरती मैं उन्हू गल सुन ली, वो गल सुन के जोड़ा उस वे प्रबंधक से उन्होंने आख्या भाई फलाना मेला कैंसल करके तो उन्होंने मेला दे दौ, यहाँ बड़ा जरूरी काम है। सगुरू कृपा करके प्रेरणा दिता जी कर जो कुछ होंगी है, तो उन्होंने मेला मिल गया। ये गल्लां सारियां उदों कोई नहीं मैंने दसियां। इत्थे कोई एक सिंह इस तरह उन्हें अपनी जागर सिंह का लड़का मलूक सिंह संत नगर हुंदा, उन्हें कोई इहो जी गल दसी भी मैनूं इस तरह सुपने दर्शन होया, तो मैनूं जमदूतां ने मार पई सगुरां छड़ाया। फिर उस गल तो उन्हें गल इत्थे दसी सारी, तो फिर जिस वे सारी गल हो गई उत्थे फिर सगुरां आख्या चंगा जा हुण तूं वापस। जिस वेले उह वापस आया शरीर च प्राण आ गए ने, तो सवेरे सवेरे नर्सां वेखण वास्ते आईआं भी वह मर गया, उन्होंने चुक लियाईए उत्थों। तो जिस वेले 4 बजे रात नूं 1 बजे फिर मैं उठ के जो मैनू वापस आया, तो उठ के फिर मैं आख्या मैं तो महीना डेढ़ हो गया लम्मा पै नूं, मेरे तो जान हैगी नहीं लत्तां मेरे डिग पाँगा उठ के। फिर मैं आख्या मैंने सगुरां रोक मैं उठ के वेखा सी, आंदा मैं उठा मेरे बिल्कुल ठीक तरह उठ बैठा। फिर मैं उस वेले इशनान करके सने के सी, तो मैं लम्मा पै गया। नर्सां आईआं, नर्सां आ के वेख के भजिया भजिया गई डाक्टर को, तेरा दोस्त जो जिंदा वो उस तरह ही तौलिया लैके सिर से कपड़ा कोई चादर चुदर लैके जाया चप्पला पा के, भाई ये किस तरह गल हो गई है। उन्हें वेख्या सची मुझे जिंदा जिंदा, तो उन्हें आख्या सुरजीत सिंह हुण तू शराब ना पीवी तो नहीं तू मर जाएगा। कहिंदा शराब नहीं मैं पींदा, तो मैनू हुण छुट्टी दे दे मैं जाना पिंड नूं। कहिंदा तेरे अजे तू तो हिलण जोगा नहीं। कहिंदा मैनू कोई तकलीफ नहीं, मैं हुण ठीक हाँ। ये गल आख के अगले दिन छुट्टी लै गया, वो करना मैं लंबड़दार मैं मामला करवाना, फिर वो चला गया उत्थे। सो मेरा सिर्फ कहने तो मतलब है, हाँ एक गल होर भुल गया मैं। आंदा मैनू ये गल आखी है भी कुड़ी तू खुल्या ने क्यों मंगी है, वो फिर खुल्या ने छुड़ा के फिर हरभजन सिंह वाल उन्हें व्याही है। मेरा सिर्फ कहने तो मतलब यह है कि अगे जा के भी ये तकलीफ नहीं हटनी जे आप मर्यादा ना चलोंगे। जिन्हें धर्म के बंधन ने
वो साडे फायदे वास्ते ने, सगुरां नूं उन्हां दा की है उस गल नाल। सो उन्हां विच पूरा रह के कोशिश करो, आदमी बने गलतियां वास्ते, गलतियां हो जांदियां ने, पर उन्हें वापस ले आना चाहिए, गलती नूं पक्का करके समझ के कि हाँ मैं ठीक किया, किसी ने डाका मारिया, किसी ने चोरी की है, उदा मैं ठीक किया, जो कुछ किया मैं अपने ढिड वास्ते किया, मैं ही करता उसे, इस तरह नहीं होना चाहिए। गलती करके तो मुड़ के वो माफ़ी मांगेगा वास्ते ठीक वास्ते तैयार हो। माफ़ी की गल है, इतने मैं कई ने आख्या भी सारे सारे माफ़ कर देना चाहिए। मैं सगुरों के उपदेश सुने भी जो माफ़ी मंगण वास्ते घरों तुरदा ना, दिलों माफ़ी मंगण वास्ते, वो उत्थे घरों तुरदा ही बख्शिया जाता। जेड़ा इतने आ के ढिड कोई गल रख के माफ़ी मंगता है, उन्होंने सच्चे पाशाह आख्या मैं भी आख दिया ना, तो भी नहीं वो बख्शिया जा सकता। तो माफ़ी मंगण की तो गल यह है, सगुरु राम सिंह सच्चे पाशाह हुक्मनामे पढ़िया भी अंदरों सगुरु बहुत अरदास सुनता, बाहरों नहीं सुनता, अरदास करा करो सच्चे पाशाह कृपा कर मेरे ते भी तुहाडे ते भी, असीं सारे सगुरों के हुक्मां ते चलीए ते सगुरों के चरणों में सुरखरू होकर हाजिर हो सकी। तो फिर मैं उन्हों का बहुत धन्यवाद करना जिन्होंने मेले में सेवा की है, असा दयाल सिंह होरी पता नहीं सुते भी नहीं सारी रात, होर कई लांगरी जिहड़े साडे सामने ही नहीं, जिहड़े ये चाहते ने भी साडा पता ही नहीं लगे किसी सेवा करते हैं, असल तो तां वो सामते ने जिहड़े पैसे कोई आदमी कमाता ना, वो इहो जिहे थां लुका के रखता है किसी पता नहीं लगे, घरदियां नूं भी ना पता होवे, जिहड़े वो भजन बाणी करते हैं रात नूं 11 12 बजे उठ के सारी सारी रात जाके भजन बाणी करते हैं फिर दसते नहीं किसी नूं, वो बहुत धन ने। सगुरू कृपा करे सानूं भी वो जीवन प्राप्त होवे, तो इहो जिहे मेले होण जिन्हां 'च असीं भजन बाणी कर सकीए ते सगुरां दे चरणां विच सुखरू होके हाजिर हो सकीए। एक एक माला भजन की, एक एक भगौती की ये पूरी तरह याद रखो, जिन्हें जो कठिन समय है फेर के सगुरां चरणा अरदास करो, जो जो सहायता जो रखिया जो रखवाली सगुरू कर सकता साड़ी, वो कोई नहीं कर सकता, ना असी कर सकते, तोपां बंदूकां कोई साढ़े रखिया नहीं कर सकदियां, सारी रखिया सगुरू कर सकता। ये तुसीं जरूर करो इन्ने दिनों वास्ते, जो घरों तुरो अरदास करके तुरो सगुरू कृपा कर साढ़े ते, असीं ठीक ठाक घर पहुँचीए। इस तों अलावा एक एक घंटा नाम सिमरन हर जी प्रति, एक एक पाठ आदि का या दसम का हर महीने का हर घर प्रति, ये जरूर करो ते कोशिश करो कि ये पाठ भी जड़े ने असी जी प्रति कर सकी है। तो मैं यही अर्ज करके आप सब तो आगे लाऊंगा।